रीड लेन एयर अराउंड्रेन इन दिसन अबाउट एयर अराउंड चारोर पाई जाने वाली हवा चिल्ड्रेन हवा यू आर सींग पिक्चर यहाँ पर देखिए हवा क्या है हवा यू कैन नॉट सी दर यू कैन फील इट मीन्स यू आर सींग दिस देर आर डिफरेंट पिक्चर्स फ्राम दिस पिक्चर यू कैन सी दैट एयर इज ब्लोइंग हवा चल रही बट यू कैन नॉट सी इट चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट एयर इज ऑल अराउंड अस वी नीड एयर ऑल द टाइम टू रिमेन अलाइव जिंदा रहने के लिए हमें हर वक्त एयर की जरूरत है लेटेस्ट लर्न अबाउट दिस प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स आइए इस नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम लोग समझे इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एयर यूजेज ऑफ एयर एयर पॉल्यूशन थ्री चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एयर चिल्ड्रेन इन दिस इंट्रोडक्शन यू हैव बीन स्टरिंग अबाउट एयर फॉर मेनी ईयर्स हम काफ़ी सालों से एयर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं वॉट इज एयर क्या है यू कैन नॉट सी इट हम एयर को नहीं देख सकते बट यू कैन फील इट हम इसे फील कर सकते हैं यू कैन फील हॉट एयर टचिंग इफ यू इफ यू मूव आउट इन समर मंथ गर्मी के दिनों में जब हम लोग बाहर निकलते हैं और हम लोग को गर्म गर्म हवा मिलती है तो उससे भी हम लोग को पता चल जाता है कि हवा चल रही है बट और हवा को जाने का कोई तरीका नहीं है हवा को हम सिर्फ फील कर सकते है. जब हमें गर्म हवा लगती है तो हम फील करते हैं कि हाँ यस इट इज़ ब्लोइंग यू कैन फील इट इफ़ यू स्टैंड अंडर अ फैन फैन के नीचे खड़े हो जाए इनफैक्ट एयर इज मैटर हवा एक पदार्थ है सब्सटेंस है इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन गैशियस स्टेट्स और इसमें गैसियस गैसियस स्टेट में, में चूँकि कोई भी मैटर जो भी मैटर है विच एकुपाई स्पेस एंड हैज़ सम वेट इट इज़ कॉल्ड मैटर अगर मैटर है तो उसका कुछ वेट होगा और वो कुछ स्पेस घिरेगा इसका मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है मोलिक्यूल्स का बना है तो कह रही है जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट स्टेज में होते हैं तो एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस स्टेज में होते हैं वी कैन प्रूव दैट एयर इज मैटर हम प्रूव कर सकते हैं कि एयर मैटर है बाई शोइंग दैट इज दैट हैज़ मास कि इसके पास मास है मास मीन इसका कुछ वेट है एंड अकुपाई स्पेस और इनका कुछ इन में कुछ स्पेस होता है टर्न द पेज। एक्टिविटी टू शो एयर हैज मास। टेक टू मीडियम साइज बलून दो मीडियम साइज का बलून ले लीजिए पुट देम ऑन अ वैलेंस जिसपे बैलेंस होता है वेइंग बैलेंस होता है जिसपे हम लोग उनका वेट लेते उसमें रख के उसका वेट आप ले लीजिए टीचर की हेल्प से नाउ ब्लो द बलून अप एंड आस्क योर टीचर टू नोट दियर एंड्स विदाउट यूजिंग एनी स्ट्रिंग और आप बलून को ब्लो करिए फुलाइए और टीचर से कहिए कि उसके एंड्स को नोट कर दे बन, बांध दे बिना किसी धागे के वेन द बलून अगेन एंड नोट दियर रीडिंग द डिफरेंस इन वेट्स अब अब क्या करोगे जब बलून में हवा भर दोगे उसको फिर से वेट करिए आपको ए, जो इनफ्लेटेड बलून है जिसमें हवा भरी है और जो डिफ्लेटेड है जिसमें की हवा नहीं है खाली है दोनों के वेट में डिफरेंस दिखाई देगा वेट ऑफ द एयर डेट यू ब्लू इन द बलून तुम देखोगे कि बलून के अंदर जो हवा भरी गई है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा तो इस तरीके से इट प्रूव्स दैट एयर हैज मास नाउ We will show the activity to show air occupies space की air uh, occupies space भी करती है अब आप जगह भी लेती है do this simple activity at home इस एक्टिविटी को आप घर पे कर सकते हैं टेक एन एम्पटी बॉटल एंड इनवर्ट इट स्ट्रेट ओवर अ बकेट फिल्ड वॉटर फिल्ड फिल्ड विद वाटर कह रहे हैं कि एक खाली बॉटल ले लीजिए और उसको सीधा खड़ा कर दीजिए बकेट फिल्ड विद वाटर पुश इट इन टू दॉटर इसको वॉटर में पुश करिए इन साइड दी तो तुम देखो कि जो खाली बॉटल है वो पानी के अंदर इजली जाती है जब आप पुश करते नाउ टिल्ड द बॉटल वाइल इट्स माउथ इज स्टिल अंडर वाटर यू विल सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल एंड वॉटर फिलिंग इन तो अब आप बॉटल को क्या करेंगे जब बॉटल को तिरछा कर देंगे और पानी में पानी उसके अंदर डालने लगेंगे तो देखेंगे कि एक तरफ से पानी बॉटल के अंदर जा रहा है दूसरी तरफ से छोटे चुट छोटे बबल्स बॉटल से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे बट वेन यू टिल द बॉटल एयर कैन एस्केप अपवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड वाटर टेक्स इट्स प्लेस इन द बॉटल यानी कि जब आप उसको पूरा भरेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर बबल बबल सा निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और पानी आपकी बॉटल में फिल हो जाएगा दस

ट ऑफ एयर यस ब्लैंकेट ऑफ एयर विच एक्सटेंड्स अप्यू किलोमीटर्स अर्थ में चारों ओर जो हवा का एक हवा इस तरह फैली हुई जैसे लगता है ब्लैंकेट फैला हुआ है इस तरह किलोमीटर कुछ किलोमीटर्स ऊपर अर्थ सर्फेस से ऊपर की ओर फैली हुई है दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर हेल्प अस टू सरवाइव एंड जिस एरिया में ये हवा है वो टोपोस्फेयर इज द लेयर ऑफ अर्थ होता है अर्थ के चारों ओर की लेयर है जहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि यहाँ पर हवा है नॉट ओनली डू वी ब्रीथ इन द एयर हम लोग हवा से केवल सांस ही नहीं लेते बट इट आल्सो कीव्स द अर्थ वार्म इनफ फॉर अस टू लिव कह रहे हैं कि ये हमारे लिए Uh, हवा केवल हमको सांस लेने में नहीं जरूरी है हमारे अर्थ को गर्म भी रखते हैं ना प्रोटेक्टर्स प्रोटेक्टस फ्रॉम हार्मफुल डेज ऑफ द सन और सन की हार्मफुल रेज डेज से भी हमको बचाते हैं एयर थिकर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ हवा की हवा जो, जो हमारा अर्थ है उसके जो पास में जो एयर का लेयर है वो काफ़ी थिकर होता है अर्थ बट वी मूव अप जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज है डेंसिटी मतलब घनापन यानी जो हवा जिसके पार्टिकल्स बहुत बहुत पास पास हो गए या वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस एरिया होता है जहाँ पे एयर है डिफरेंट गैसेस है सब कुछ है तो एक डेंस लेयर बनती है लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं माउंटेन्स की बात अगर कर ले तो वहाँ पर हवा के पार्टिकल्स और दूर दूर होने लगते हवा और हल्की होती जाती है और पता चलता है कि उसमें कोई भी डेंसिटी नहीं रह जाती डेंसिटी बहुत कम हो जाती माउंटेनियर्स हैव टू कैरी सिलेंडर्स फिल विद ऑक्सीजन विद दे क्लाइम हाई एटीट्यूड और जब माउंटेनियर्स जो पहाड़ पे चढ़ते हैं उन लोगों को इसीलिए वहाँ पे इतना कम ऑक्सीजन होता जाता है जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एयर सिलेंडर लेके जाना पड़ता है साथ में हवा का जिसमें ऑक्सीजन होती है दिस इज बिकॉज एट हाइस अल्टीट्यूडीट्यूड देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन इन द एयर टू ब्रीथ क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता जाएगा और उस कंडीशन में आप ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी इसलिए माउंटेनियर्स को साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है नाउ चिल्ड्रन विल रीड डस एयर में में क्या-क्या होता है? शताब्दी साइंटिस्ट लोग उन्होंने सोचा कि एयर एक सब्सटेंस है पदार्थ है बट नाउ वी न्यू वी नो हम जानते हैं एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस अब हम जानते हैं कि एयर क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस है यानी एयर अकेला नहीं एयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस मिली हुई है जिसको पूरा मिला के हम लोग एयर बोलते हैं उनके और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एयर में लेट्स नो मोर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर एयर आइए हम लोग जानते हैं जाने कुछ एयर के कंपोनेंट्स के बारे में कि हवा में क्या क्या चीजें होती हैं ओके नाउ वाटर वेपर फर्स्ट इज फाउंड एयर वाटर वेपर मीन्स जो पानी का भाप होता है Contains water vapor. The source of water वाटर is evaporation of water एंड transpiration और जो वाटर वेपर है जो क्लाउड बन के ऊपर हवा में है वो कहाँ से आता है ट्रांसपरेशन यानी प्लांट्स एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेट करते हैं अपनी बॉडी से थ्रू एस्टोमेटर दैट इज फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ द लीफ एंड द वॉटर दैट इजेपोरेट ड्यू टू सन तो ये सब जाके ऊपर क्लाउड बनाते वाटर वेपर बनाते हैं और हवा में मिल जाते ऑक्सीजन की एंड अदर थिंग हियर गैस ऑक्सीजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एयर हवा में ऑक्सीजन भी है इट इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन एंड कं कंजम्पन कंबेशन मीन्स होता है रेस्पिरेशन में सांस लेने में और दूसरे वर्क में हमारी ऑक्सीजन जरूरत होती है आग जलाने में कम्बेशन में भी जरूरत होती है अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन ट्वेंटी परसेंट एयर में ऑक्सीजन है यू कैन वेरीफाई दिस बाई अ सिंपल एक्टिविटी आप ऑक्सीजन एयर में है इस बात को प्रूव कर सकते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू ओके नाउ सी दिस एक्टिविटी एक्टिविटी ये है कि चिल्ड्रन टेक अ कैंडल ए कैंडल टेक अ कैंडल एंड फिक्स इन द सेंटर ऑफ ट्रो क्या करिए कि एक बाउल टाइप का लीजिए जिसमें टू बर्निंग कैंडल्स इन अ ऑफ वाटर में लीजिए इन इन्वर्टेड जार में इस ओवर इट एक इनवर्टेड एक जार इसके ऊपर पलट कर रख दीजिए तो सेकंड में देखेंगे बी वाले पिक्चर में कि कैंडल्स एक्सटिंग यूश एंड वाटर लेवल इज हायर इन द जार बाई ट्वेंटी परसेंट और क्या हुआ जो वाटर लेवल है वो पानी पानी क्यों बढ़ गया वाटर लेवल क्यों बढ़ गया क्योंकि जो जब आपने मोमबत्ती जलाई होगी तो जो एयर वगैरह उससे निकली वो पानी में जाके मिली पावर पार्टिकल्स के साथ और पानी का लेवल बढ़ गया और आपकी मोमबत्ती बुझ जाती है इससे ये प्रूव हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और अदर गैसेस मिलके पानी के लेवल को तो बढ़ा रही हैं क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में सेट हो गई वाटर लेवल बढ़ गया लेकिन आपकी कैंडल बुझ गई क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था तो दिस इज नेसेसरी टू बर्न कैंडल ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू बर्न कैंडल और द बर्निंग मीन्स वी कैन से दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग एनीथिंग बिना आग जल ही नहीं सकती है बिना ऑक्सीजन के ओके चिल्ड्रन नाउ थैंक यू सो मच आई विल मेक अदर वीडियो नेक्स्ट सेशन